हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा, सैमसंग का एक नया टूल आ चुका है, FRP टूल। इस टूल की मदद से आप कोई भी सैमसंग मोबाइल का FRP लॉक किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं। आज मैंने आपको बताऊंगा उस टूल को कैसे डाउनलोड करना है, उस टूल को कैसे रजिस्टर करना है और उस टूल का क्रेडिट कैसे लेना है, और सारे डिटेल्स मैंने आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक करना, ताकि हमारे चैनल के अंदर जो भी नए वीडियोस आएंगे आप तक मिलते रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये वाली वेबसाइट है हमारा, तो इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर दिया है, तो जाके क्लिक किया तो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर मैंने आपको दिखाता हूँ सर्च बार के अंदर samhub.net क्लिक किया तो सर्च किया तो गूगल पर आप इस वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अगर नहीं तो आपको लिंक क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है और इस वेबसाइट के अंदर किस तरीके से आप उस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं मैंने आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो मैं तो दोबारा बता रहा हूँ, 70% लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाए हैं, उन तक नोटिफिकेशन कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आप जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन बटन को अलाउ कीजिए, ताकि हमारे चैनल के अंदर जो भी नए वीडियोज आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नीचे दी गई आपको देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, नीचे क्रेडिट्स के बारे में बताया, प्राइजिंग के बारे में बताया, इसकी बारे में मैंने आपको वीडियो का एंड में बता देता हूँ, इसकी जो प्राइजिंग क्या है, इसकी कितना क्रेडिट लेना है, इसका कितना रिचार्ज करना पड़ेगा इस टूल को, ये सारे डिटेल्स मैं वीडियो का एंड में बता देता हूँ। इसका रियल प्रूफ मैंने आपको दिखाता हूँ, ओनर के साथ मैंने बात कर लिया और उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स देता हूँ वीडियो का एंड पर। अभी मैं आपको फिलहाल इस टूल को डाउनलोड करके दिखाता हूँ, इस टूल को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आप इस टूल को ओपन करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैंने ऊपर की तरफ से लेके चलता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इस टूल का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है दोस्तों। इस टूल के अंदर आप यूज़र आईडी पासवर्ड लगा के लॉगिन करना पड़ता है और लॉगिन करके इस टूल को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद भी आप इस टूल को यूज़ करना चाहते हो तो रिचार्ज करना पड़ेगा, रिचार्ज करने के बाद ये टूल वर्क होगा, नहीं तो ये टूल वर्क नहीं करेगा। रजिस्टर भी फुल फ्री है दोस्तों, रजिस्टर भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ रजिस्टर दिया गया है, तो रजिस्टर पर के क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन ये टूल काम नहीं करेगा, ओपन होता काम नहीं करेगा जब तक इसके अंदर आप रिचार्ज डालते हैं। ठीक है, तो उसका ओनर का डिटेल्स मैंने नीचे दी गई है दोस्तों, जाके आप बात कर सकते हो उनके साथ, आप इस टूल को रन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं आप इसको डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ, जल्दी से जल्दी आप इस टूल को कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है टूल डाउनलोड। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा लोडिंग चलेगा और उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड का लिखा गया है नीचे, तो इस वाले ऊपर पर मैंने फिर से डाउनलोड क्लिक करता हूँ। और दोस्तों मैंने डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है और ओके करना है यहाँ पर, और ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ऊपर की तरफ मेरे फाइल डाउनलोड हो रहा है। और डाउनलोड होने के बाद मैंने आपको दिखाता हूँ इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो गाइस अगर आपका इस तरीके से एरर आएगा तो आपकी सिस्टम के अंदर एंटीवायरस है, तो उसको ऑफ करना है, नहीं तो आपको डाउनलोड नहीं होने वाला। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसका फाइल लोकेशन मैंने आपको ओपन करता हूँ पहले, तो ओपन कंटेंट फोल्डर पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने कट करके डेस्कटॉप पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं इसको कट किया और डेस्कटॉप पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको पता चलेगा अच्छी तरीके से। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया और उसके बाद हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है 7-zip फाइल से। ठीक है, अगर आप 7-zip फाइल आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको सारे फाइल अच्छी तरीके से एक्सट्रैक्ट होगा और आपकी टूल अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर आप 7-zip एक्सट्रैक्टर नहीं है तो आपको लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर, जाके क्लिक करके इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं 7-zip फाइल एक्सट्रैक्टर को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे टूल्स को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर 3 आइटम आ चुका है। इस तीनों आइटम को एक नया फोल्डर के अंदर डाल के और उसको भी उसके साइड में रख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैंने इस फोल्डर को, इस तीनों कंटेंट को मैंने इस फोल्डर पर डाल दिया और उसके बाद मैंने आपको इस फोल्डर को ओपन करके दिखाऊंगा इसके अंदर टूल किस तरीके से होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस टूल को ओपन कर रहा हूँ, इसको फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ। इसका फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सैम हब का एक आइकन है यहाँ पर, इसको मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है, तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करने के बाद ये टूल ओपन होने वाला है।
और ओपन होने के बाद इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है मैंने आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, इस टूल को आप कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसी तरह से आप इस टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिया ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाता है। तो चलिए मैंने आपको दिखाता हूँ इस टूल का डिटेल्स, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते इस टूल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करने के बाद इस टूल इस तरीके से इंटरफेस होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वेट करना है, कोई भी चिड़चाड़ नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड दिया गया है, अगर आप यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं तो ऊपर की तरफ देख सकते हैं रजिस्टर का एक बटन है, तो उस वाले रजिस्टर पर क्लिक करके आप इस यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप इसको लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वेरी सिंपल है दोस्तों, आप किस तरीके से रजिस्टर करना मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एंड इसको इस टूल को किस तरीके से यूज़ करना है ये भी मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये टूल किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, एक ही क्लिक पर आप कोई भी सैमसंग मोबाइल का FRP लॉक को एक ही क्लिक पर अनलॉक कर सकते हैं। मैंने आपको इसके बारे में कंफर्म लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक करना, मैंने नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ। अगर आप नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। इस टूल के कंप्लीट डिटेल्स मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, इस टूल को कैसे यूज़ करना है और इस टूल कैसे काम करता है, कोई भी सैमसंग फोन का अनलॉक किस तरीके से होता है, टूल के बारे में जरूर कमेंट करके बताना। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने उसका रजिस्ट्रेशन के बारे में कंप्लीट नहीं बताया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा इसका पार्ट टू, वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा इसको किस तरीके से रजिस्टर करना है और किस तरीके से इसका क्रेडिट लेना है और इस टूल किस तरीके से काम करता है, मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। इसके अंदर एक नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, ये पहली पार्ट है, तो इसके अंदर मैंने वीडियो बहुत लंबी होता है तो इसीलिए मैं एक दूसरा पार्ट बनाने वाला हूँ, उस पार्ट के अंदर मैंने आपको दिखाऊंगा इस टूल को कैसे यूज़ करना है। कोई भी मोबाइल का सैमसंग की कोई भी मोबाइल को FRP लॉक एक ही क्लिक पर किस तरीके से अनलॉक करें मैंने आपको दिखाऊंगा, ठीक। अगर आप इस टूल को परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन ये टूल ओपन भी होगा, काम नहीं करता जब तक आप इसके अंदर रिचार्ज करते हैं, ठीक है। तो रिचार्ज करने तक ये टूल काम नहीं करेगा। एंड गाइस इसकी सारे डिटेल्स मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक करना, अगर जो भी नया वीडियोस आते हैं मेरे चैनल के अंदर, जो भी नेक्स्ट वीडियोस आते हैं आपका उस नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।